दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों हमारा 15वां दिन धमाकेदार एंट्री के साथ एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे ऑपरेशन के बारे में, बहुत सारे जांच समितियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप कहोगे सर ये कैसा उलझुल का टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों बहुत बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात कर लूं दोस्तों, अमिताभ कांत समिति का संबंध किससे है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं, ठीक है, कि अमिताभ कांत समिति क्यों बनाई गई, या फिर जॉर्ज कुरियन समिति, किरीट पारिक समिति, बिमल जारान कमेटी, इस तरह के कमेटियों के बारे में, बहुत सारी समितियों के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा 15वां दिन है। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत करिए, क्यों परेशान रहते, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो क्विज भी अटेंड कर सकते हैं, जो हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों जगह पर अवेलेबल कराए गए। तो जल्दी से स्टडी 91 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, उसके माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बनाइए, ठीक है। YouTube की बात करें दोस्तों, तो YouTube पर सभी विषयों की निःशुल्क क्लासेस दी गई हैं। आप जो कुछ भी विषय पढ़ना चाहते हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी YouTube और वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। इन तीनों चीजों पर हर एक चीजें अवेलेबल कराएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं। अब आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर रखा गया है, तो आइए जुड़िए और आराम से पढ़ाई करिए। शुरू करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ ऑपरेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उस ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे परीक्षा में पूछ देता है कि ऑपरेशन नमस्ते का संबंध है, किससे संबंध है, तो आप समझते नहीं कि ऑपरेशन नमस्ते क्या, प्रणाम, ठीक है। तो अब यहां पर दे रहा दोस्तों, अच्छा आपको पता होगा कि कोरोना महामारी चल रहा था, तो कोरोना महामारी में लोगों से कहा गया भैया हाथ न मिलाएं, हाथ न मिलाएं, दूर से क्या करें, नमस्ते करें। तो ऐसे में आप थोड़ा सा इंडिकेट करिए कि यहां पर जो ऑपरेशन नमस्ते उसका संबंध किससे, कोरोना से लगे हाथ कुछ है। देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है सेना का कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान था, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन नमस्ते। याद रहेगा क्या, याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिख रहा है ऑपरेशन सूर्य होप, क्या नाम दिया है, सूर्य होप, एक ऑपरेशन का नाम है। ऑपरेशन किससे संबंधित है, क्या था इस ऑपरेशन में, तो लिख रहा है दोस्तों कि उत्तराखंड के केदारनाथ, उत्तराखंड में दो मंदिर है दोस्तों, एक केदारनाथ का मंदिर है, एक बद्रीनाथ का मंदिर है, ठीक है। तो केदारनाथ में दोस्तों बाढ़ वाली जो घटना आई थी वो केदारनाथ में हुआ था, तो याद रखें दोस्तों केदारनाथ में बाढ़ से बचाव के लिए ये योजना चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप, समझ में आ गया, तो याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन है। आगे देखिए, कह रहा ऑपरेशन 25, गजब का ऑपरेशन है भाई, नाम देखिए कैसा लिखा है, ऑपरेशन 25, इसका संबंध किससे है, कह रहा कि पुलवामा हमले में हमले के आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। पुलवामा जो अटैक हुआ था, यह अटैक 14 फरवरी को हुआ था, यही था ना, तो याद रखेगा दोस्तों, और जो आतंकी था उसका नाम था गाजी रशीद, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन 25। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेशन बंदर क्या है, ऑपरेशन बंदर क्या है, तो यह बताइए दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी भारत की तरफ से, तो आपने पढ़ा होगा बालाकोट के ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया गया, उस एयर स्ट्राइक के कोड का नाम था, उसको कोडिंग के तहत नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर, क्या दिया गया था, ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर के तहत भारत कूद करके कहां पहुंच गया, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके पहली बार एयर स्ट्राइक करके उसके छक्के छुड़ाने में भारत जो है कामयाब रहा, तो ऑपरेशन बंदर का नाम आप याद रखें, ठीक है। अगला लिख रहा है ऑपरेशन विजय, क्या है, ऑपरेशन विजय, थोड़ा सा पुराना है दोस्तों, याद रखिए कारगिल में घुसने वाले जो घुसपैठिए थे उनको वापस से खदेड़ा गया था, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, ठीक है। कुछ पुराने ऑपरेशंस भी हैं उनको याद रखिएगा, ऑपरेशन आल आटू, ठीक है, ऑपरेशन आल आटू क्या है दोस्तों, तो आल आउट होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए दोस्तों इस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था, तो इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से एक ऑपरेशन है ऑपरेशन मैत्री, ठीक है, तो दोस्तों ऑपरेशन मैत्री आया था जब भूकंप आया था आपके नेपाल में, तो वहां पर बचाव कार्य किया गया था, राहत बचाव कार्य किया गया था, ठीक है, भारतीय सेना की तरफ से उस समय चलाया गया था ऑपरेशन मैत्री, ठीक है। तो कुछ नए ऑपरेशन है, कुछ पुराने ऑपरेशन है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जांच समितियां हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली समितियां, इनको याद रखेगा। अमिताभ कांत समिति ये एकदम नई समिति है, और इसका संबंध किससे दोस्तों, तो इस समिति ने सिफारिश किया है कि ट्रेनों को क्या किया जाए, निजी क्षेत्र में दे दिया जाए, किस में दे दिया जाए, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कर दिया जाए। अभी दोस्तों आपने प्राइवेट ट्रेनों की श्रृंखला में तीन ट्रेनों के बारे में पढ़ा होगा, तेजस 1, तेजस 2, तेजस 3। तेजस पहली वाली तेजस ट्रेन जो है दोस्तों ये कहां से कहां तक चलाई गई थी बताइए,
पहली वाली लखनऊ से दिल्ली चली थी, दूसरी वाली तेजस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई भेजी गई, तीसरी तेजस ट्रेन बनारस को इंदौर से जोड़ रही। ठीक है, ये तीन तेजस ट्रेनें चलाई गई हैं और तीनों की तीनों तेजस ट्रेनें ये प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट करने के क्षेत्र में इन्होंने अपनी सिफारिश दिया है अमिताभ कांत समिति। ठीक है, कि दिया जाए रेलवे को प्राइवेट में या न दिया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श कमेटी कर रही है। अगला दोस्तों, जॉर्ज कुरियन समिति, ये तो गजब की समिति है दोस्तों। देखिए, करा 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए। ठीक है, अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं की संख्या में कमी हो गई, तो उसके लिए दोस्तों जॉर्ज कुरियन समिति बनाई गई है, इसका नाम भी आप याद रखेगा। इसी प्रकार आगे दे रहा दोस्तों किरीट पारिक समिति, क्या नाम है, किरीट पारिक। ये किससे संबंधित है, तो याद रखेगा दोस्तों ये पेट्रोलियम उत्पादों से संबंध रखता है, किरीट पारिक। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए या सुझाव देने के लिए। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि भारत सरकार क्या कर रही है कि तेल की कीमतें कितनी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के हाथों में या जो तेल कंपनियां उनके हाथों में छोड़ रही है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों और जो एलपीजी वितरण की विपणन की जो प्रक्रिया है उसकी समीक्षा के लिए ये किरीट पारिक समिति बनाई गई, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सब नई नई समितियां हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं नई समितियां, पुरानी समितियां नहीं है। पुरानी वाली जो चीजें होंगी उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, बिमल जालान कमेटी, बिमल जालान जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, याद रखें दोस्तों ये आरबीआई के पास जो मौजूद कैपिटल रिजर्व है उसकी समीक्षा के लिए। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि केंद्र सरकार आरबीआई के पास रखे हुए कैपिटल रिजर्व की मांग कर रही है। ठीक है, तो ये उसकी समीक्षा के लिए दोस्तों ये बिमल जालान कमेटी बनी थी। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला दे रहा है दोस्तों एक जांच समिति है, राष्ट्रीय जल नीति जांच समिति। ठीक है, तो दोस्तों ये किसी के नाम पर नहीं है, ये राष्ट्रीय जल नीति के ऊपर एक जांच कमेटी बनाई गई। इसमें जल नीति से संबंधित मसौदा या आप कह सकते कि उससे संबंधित प्रारूप तय करने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार संजय भूसरेड्डी, ठीक है, भूसरेड्डी समिति है। ठीक है, संजय भूसरेड्डी समिति, ये उत्तर प्रदेश में जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था उसकी जांच के लिए ये भूसरेड्डी समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो भूसरेड्डी से घूस रेड्डी याद रखेगा, घूस रेड्डी आपको याद रहेगा। देवेंद्र फडणवीस समिति, ठीक है, ये कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बनाया गया था। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, ये भी याद रखेगा। आगे लिख रहा है कि विवेक देवराय समिति, इसका संबंध किससे है, रेलवे में सुधार। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अमिताभ कांत समिति, फिर से देखिए एक बार। अब देखिए जो यहां पर संबंधित होंगे उसको मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था अमिताभ कांत समिति। ठीक है, इसका संबंध किससे था दोस्तों, तो इसका संबंध था ट्रेन को जो प्राइवेट करने की चर्चा हो रही, ठीक है, प्राइवेट यानी निजी क्षेत्रों के हाथ में देने की जो चर्चा हो रही है उससे संबंधित था। ठीक है, और रेलवे में सुधार से संबंधित कौन है, तो विवेक देवराय समिति है, यह रेलवे में सुधार से संबंधित है। ठीक है, रघुराम राजन समिति, इसको भी याद रखिए, रघुराम राजन। ठीक है, देखिए रघुराम राजन भी क्या रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इसके पहले हमने पढ़ा बिमल जालान समिति, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये रघुराम राजन समिति है। तो बिमल जालान वाला पढ़ा था, ठीक है, इसको भी एक बार मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, बिमल जालान समिति। ठीक है, बिमल जालान समिति, इसमें दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि जो आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, उसकी समीक्षा के लिए, जो कैपिटल रिजर्व है उसकी समीक्षा के लिए दोस्तों ये वाली समिति बनी हुई थी। ठीक है, बिमल जालान समिति, और यहां पर रघुराम राजन समिति दे रहा है, यह वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्रों में सुधार से संबंधित कौन सा था, तो याद रखेगा कृषि क्षेत्रों में देवेंद्र फडणवीस, क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, कोठारी आयोग का संबंध किससे दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए, तो याद रखेगा शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है कोठारी आयोग समिति। ठीक है, कोठारी आयोग, इसको भी करिएगा, राइट आंसर है। आगे करा स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन में पूरा नाम नहीं दिया है, यह कृषि सुधार से संबंधित है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो कृषि सुधार से संबंधित है। ठीक है, इसके पहले देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। बलवंत राय मेहता समिति, आप किताबों में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो आया था उसको लाने के पीछे बलवंत राय मेहता जी को जाना जाता, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। इसके अलावा अशोक मेहता समिति है, बहुत सारी समितियां आई, तो उसको भी याद रखेगा। केलकर समिति की का संबंध किससे है, देखिए आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ये सब पुरानी समितियां, इसके पहले जो पढ़े आप वो नई नई समितियां थी। केलकर समिति की बात करें तो एक कर सुधार से संबंधित है, किससे, केलकर कर, देखिए इनके नाम में भी कर लगा है, केलकर कर। ठीक है, केलकर कर, इसको भी याद रखिएगा। अभी मैं एक बार आपको रिवीजन भी
कराऊंगा, रिवीजन कराने के बाद फिर मैं आपको क्विज कराऊंगा ताकि कुछ भूलने ना पाए। देखिए मैं ये चाहता हूं कि भूलिए ना आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि लिब्राहन आयोग जो था दोस्तों, ये क्या बताया, ये संबंधित था बाबरी मस्जिद का जो अभी इशू चल रहा था, ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, कब घोषणा हुआ राम मंदिर के उद्घाटन की घोषणा कब हुई बताइए, 5 अगस्त, कब हुआ 5 अगस्त, डेट याद रखा करिए नहीं तो कुछ नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। 5 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 5 अगस्त को क्या किया गया था, आर्टिकल 370 हटाया गया था, और इस बार 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का क्या किया गया, यहां पर उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो याद रखेगा शिलान्यास हुआ, और बाबरी मस्जिद से संबंधित एक आयोग है लिब्राहन आयोग, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। नानावटी आयोग का संबंध किससे है, नानावटी आयोग का संबंध दोस्तों आपके गुजरात में कांड हुआ था, गोधरा कांड, जिस कांड में मोदी जी का नाम भी सामने आया था, ठीक है, तो गोधरा कांड आप याद रखेगा, ठीक है। हालांकि अब जो है सारी चीजें क्लियर कट हो गई हैं, तो नानावटी आयोग का संबंध किससे है, गोधरा कांड से। इसी प्रकार दोस्तों ठक्कर आयोग बनाया गया था, किसकी जांच की, क्या जांच करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, तो इंदिरा गांधी हत्याकांड जो हुआ था उसकी समीक्षा करने के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था, इंदिरा गांधी हत्याकांड में जांच पड़ताल करने के लिए ठक्कर आयोग को बनाया गया था। दंतेवाला समिति का संबंध किससे दोस्तों, तो याद रखिए ये हम लोगों की टॉपिक से संबंधित है, जैसे कुछ गड़बड़ होता है अपना दांत पीस ले तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, तो दांत पीसते हैं क्यों, क्योंकि आप बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए दंतेवाला दांत पीस कर, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगा तो आदमी गुस्सा करेगा, ठीक है, तो दंतेवाला का संबंध किससे है याद रखिएगा, बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है। नचिकेत मोर समिति वो यम नचकेता का संवाद मत याद करिएगा, ठीक है, वो कठोपनिषद से संबंधित है यम नचकेता, तो याद रखेगा ये नचकेत मोर समिति है दोस्तों, ये जो फाइनेंस होता है ना उससे रिलेटेड है, लिख रहा है कि वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकिंग ढांचे में सिफारिश करने के लिए जो इस समिति को बनाया गया था जिसका नाम है नचकेत मोर समिति, ठीक है। करा कि प्रथम एम नरसिम्हन समिति, ये वर्ष 1991 आया था, ठीक है, और वित्तीय क्षेत्र में सभी पहलुओं में सुधार किया जाए के तहत दोस्तों क्या किया गया था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी घोषणा हुआ था, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से द्वितीय एम नरसिम्हन, अरे प्रधानमंत्री जी का नाम सुना होगा ना, तो याद रखेगा ये वर्ष 1998 में आया था और ये बैंकिंग सुधार के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये द्वितीय एम नरसिम्हन समिति था, ठीक है। करा कि वाई एच मालेगाम दोस्तों, ये आप कह सकते हो कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन के सुझावों से संबंधित है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है वाई एच मालेगाम समिति, ठीक है। वाईएच मालेगाम समिति किससे संबंधित है, ये माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है मालेगाम, ठीक है, तो याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि तारापोर समिति का संबंध किससे है, तो लिख रहा है कि पोल्ड पूंजी लेखा संघ परिवर्तन। अच्छा कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर जो लिखा आप खाली वही पढ़ते चले जा रहे हैं, अरे अगर हम वही पढ़ते हैं तो पीछे की चीजें कैसे कोरिलेट करते हैं बताइए, पीछे की चीजें तो कोरिलेट की जाती है ना, और अभी कोरिलेट करके एक बार फिर से आपको दिखा देंगे, और फिर जब क्विज कराते तो वहां तो यार मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं, कोशिश करता हूं कि चारों ऑप्शन में मैं आपको बताऊं कि नहीं कौन सी समिति किससे संबंधित है, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, हाँ बताइए। तो तारापोर समिति का संबंध किससे है, लिख रहा है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, या ऐसे मत कहो, ऐसे समझो कि भारतीय रुपए की जो पूर्ण परिवर्तनीयता था का प्रश्न था उसका परीक्षण करने के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था। समय समय पर दोस्तों जो भारतीय रुपया है उसकी पूर्ण परिवर्तनीयता का पता लगाया जाता है, अरे यार कन्वर्ट हो पाएगा दूसरी मुद्रा में कि नहीं हो पाएगा क्या है, जैसे डॉलर है तो डॉलर क्या अपने देश में कन्वर्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या है, इसके लिए इस तरह की समिति बनाई गई थी तारापोर समिति। रेखी समिति का संबंध किससे है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, किससे है, रेखी समिति का संबंध इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों इसी तरह से प्रत्यक्ष कर पूछ देगा तो क्या बताएंगे, वांगचू समिति, कौन सी है, अच्छा आ गया, वांचू समिति है, और रेखी वाला अप्रत्यक्ष कर, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। दत्त समिति किसके लिए बनाया गया था, ये औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए बनाया था, किसके लिए, औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए दत्त समिति बनाया गया था कि हमको लाइसेंस दो, ठीक है, औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए दत्त समिति। राज मन्नार समिति, ये तो हम लोग हजारों बार पढ़ चुके, परीक्षा में खूब पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंधों को उजागर करने के लिए दोस्तों ये राज मन्नार समिति है, उजागर नहीं मतलब इन दोनों के बीच में
चीजें प्रस्तुत किया था। चक्रवर्ती सम्मति का संबंध किससे है? मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। किससे? मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है चक्रवर्ती समिति। बहुत सारी नई नई समितियां हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति बहुत पुरानी चले गए, ठीक है। गाडगिल और कस्तूरी रंगन का नाम आपने सुना होगा, ये पश्चिमी घाटों का संरक्षण से संबंधित ये समिति बनी हुई है। स्वामीनाथन समिति दोस्तों, ये जनसंख्या नीति भी बनाई हुई है, ठीक है। और इसके पहले स्वामीनाथन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कृषि क्षेत्रों से संबंधित थे। जानकी रमन समिति दोस्तों, ये प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है, ठीक है, प्रतिभूति घोटाले। अभी तो इसके ऊपर एक अच्छी खासी मूवी भी आ रही है, ठीक है। सरकारी आयोग का संबंध दोस्तों केंद्र राज्य संबंधियों से है, ठीक है। गोस्वामी समिति की बात करें तो औद्योगिक रुग्रता से संबंधित है। इसके पहले दोस्तों हम लोग औद्योगिक लाइसेंसिंग के बारे में पढ़े। देखिए, अब ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये बोलते हैं कि सर आपने केवल पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो बताइए मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है, बताइए। औद्योगिक लाइसेंसिंग समिति, बताइए इससे संबंधित कौन है? तो बताइए दत्त समिति। यही पढ़ाया था ना कि औद्योगिक लाइसेंस दो, दत्त समिति, ठीक है। तो याद रखेगा दत्त समिति हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पढ़ो ना, कोरलेट ही तो हमें कराना है। अब यहां मैं आपको क्या बता दूं, बताइए, गोस्वामी जी की कही हिस्ट्री बताना शुरू कर दूं, ठीक है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गोस्वामी जी औद्योगिक रुग्णता से संबंधित इस जांच समिति का संबंध है। महान लोबिस के बारे में जानते होंगे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर सीएसओ कार्यालय बना था, ठीक है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो बनाया गया था इन्हीं के नाम पर बनाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित यह समिति थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? दादा भाई नरोजी जी ने बताया था। पहली बार राष्ट्रीय आय जो है ड्रेन वेल थ्योरी जो आया था दादा भाई नरोजी का, उसमें वर्णन किया गया था, 20 रुपए ज्ञात किया गया था राष्ट्रीय आय, ठीक है। भूरेलाल समिति का संबंध किससे दोस्तों? ये मोटर वाहन के करों में वृद्धि से संबंधित है। भूरेलाल समिति की वृद्धि हो ना हो क्या है? भंडारी समिति का संबंध दोस्तों आरआरबी से है, ठीक है। रूरल रीजनल बैंक यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनका पुनर्संरचना से संबंधित है, ठीक है, इसको भी याद रखे, काफी इंपॉर्टेंट है भंडारी समिति, ठीक है। भंडारी समिति याद रखेगा, ये आरआरबी से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज समिति दोस्तों ये किससे संबंधित है? राज समिति ये कृषि जोत पर कर जो है दोस्तों उससे संबंधित है। राज समिति, ठीक है, कृषि जोत पर कर, ठीक है, कृषि जोत पर कर, ठीक है। जोत मतलब ये जो कृषि के छोटे छोटे भूखंड हैं उसको जोत कहा जाता है, ठीक है, उस पर कर लगे, इससे संबंधित है राज समिति। सच्चर समिति दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो याद रखेगा मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, सच्चाई पता लगाने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था, ठीक है, मुसलमानों से संबंधित है सच्चर समिति, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, ठीक है। सुनिए सुनिए, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको मजा आ जाए। यार मैं आप लोगों के बारे में इतना सोचता हूं, और आप लोग अगर कभी कमेंट करो ना तो सोच समझ के करो कि किसको क्या बोला जा रहा। सुनो ध्यान से, ऑपरेशन नमस्ते, पहले बताया कि भारतीय सेना में दूर से भैया हाथ मिलाने की प्रक्रिया खत्म, अब क्या हो गया, दूर से नमस्ते करने की बात आ गई। तो याद रखेगा ये अभियान था कोरोना महामारी के लिए। ऑपरेशन सूर्य होप, ये मैंने बताया आपको कि केदारनाथ जो मंदिर है वहां पर जो बाण आता है, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए ये जो है स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है, सूर्य की एक किरण जाए, ठीक है। ऑपरेशन 25 का संबंध दोस्तों किससे है? तो पुलवामा अटैक का जो मास्टरमाइंड था जिसका नाम था गाजी राशिद, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर का संबंध है, जो बंदर की तरह कूदकर पाकिस्तान में चला गया, बताइए, ऐसे करके याद करिए, ठीक है। तो एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में हुआ था ये उसका एक कोड नाम था, ठीक है, ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन विजय की बात करें तो विजय दिवस भारत में मनाया जाता है 26 जुलाई, ना 26-27 जुलाई, याद रखिएगा, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा सही क्या है, 26-27, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, कारगिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा। और कारगिल में जो घुसपैठिए घुस रहे थे उनको खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन आल आटू जो दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर के वादियों से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन मैत्री दोस्तों नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें बचाव कार्य किया गया था, उससे संबंधित था ऑपरेशन मैत्री, ठीक है। यहां से आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ कांत समिति पहली समिति है। तो ट्रेन को निजी हाथों में दिया जाए न दिया जाए, इससे संबंधित है अमिताभ कांत समिति, ठीक है, अमिताभ कांत समिति, तो याद रखेगा। वैसे भी
अमिताभ बच्चन हमेशा नई नई काम करते रहते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट ऐसी चीजें बनाकर आप याद रखें। जॉर्ज कुरियन समिति दोस्तों, 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, ये जॉर्ज कुरियन समिति का कहना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अगला है दोस्तों किरीट पारिक समिति, तो याद रखेगा पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि हो ना हो इसके लिए सुझाव देना, यानी जो कीमतें तय होती हैं और जो एलपीजी का वितरण हो रहा है उसके ऊपर अपनी राय देने के लिए ये किरीट पारिक समिति बनाया गया, ठीक है। अगला है बिमल जालान कमेटी, तो बिमल जालान जो है पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, तो आरबीआई के पास जो मौजूद कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, उससे संबंधित जो है रिजर्व की समीक्षा करने के लिए बिमल जालान समिति बना, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय जल नीति समिति, ठीक है, तो दोस्तों ये जल नीति पर मसौदा प्रस्तुत करने के लिए ये बनाया गया था। संजय भूस रेड्डी, मैंने बताया था घूस रेड्डी है, ठीक है, किसमें, सहायक शिक्षक परीक्षा से संबंधित जो जांच कमेटी बनी थी वो भूस रेड्डी के जिम्मे था, ठीक है। आगे देवेंद्र फडणवीस, ये पहले ही बता दिया, कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वामीनाथन जी वाले के बारे में, वो भी यही से संबंधित है, ठीक है। विवेक देवराय दोस्तों, विवेक देवराय याद रखेगा रेलवे के आधुनिकीकरण की बात कर रहे थे विवेक देवराय, ठीक है, रेलवे में सुधार से संबंधित है। रघुराम राजन का संबंध वित्तीय क्षेत्रों से है, ठीक है, वही फाइनेंशियल सेक्टर से। कोठारी आयोग का संबंध दोस्तों शैक्षणिक सुधार से है, ठीक है। स्वामीनाथन का सहयोग संबंध जो दोस्तों कृषि सुधार से है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था हो गए, केलकर कर हो गया, लिब्राहन बाबरी मस्जिद से संबंधित है, नानावटी गोधरा कांड हो गए, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड हो गया, दंतेवाला बेरोजगारी, दांत पीस के बोलना ही आपको, नचिकेत मोर दोस्तों ज्यादा पैसा आरआरबीज की बात कर रहा है, ठीक है, आरआरबी ने यह वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने संबंधित है। नचिकेत मोर बैंकिंग ढांचों में सुधार से संबंधित है। और एम नरसिम्हम जो प्रधानमंत्री थे उस समय जो दोस्तों न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, तो वित्तीय क्षेत्रों के सभी पहलुओं पर सुधार से संबंधित है। बैंकिंग सुधार में 1998 में एक दूसरी जो समिति बनाई गई थी YH मालेगाम समिति का संबंध दोस्तों माइक्रो फाइनेंसिंग से है, किससे, माइक्रो फाइनेंसिंग यानी सूक्ष्म वित्त पोषण से संबंधित है या उसके संदर्भ में जो है बातचीत करने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तारापुर समिति का संबंध किससे है, तारापुर समिति का संबंध तो याद रखें रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है तारापुर समिति, ठीक है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, याद रखेगा रेखी, और आपका वांचु समिति प्रत्यक्ष कर से हो जाएगा, ठीक है, फुनसुक वांचु है, वांगड़ू वहां पर एक वांचू का नाम सुना होगा ना, ऐसे करके कुछ नाम है। दत्त, यही देखिए दत्ता दत्त समिति दोस्तों, यह औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है, दत्त समिति, ठीक है। राजमन्नार केंद्र राज संबंध चक्रवर्ती समिति, जो मौद्रिक प्रणाली हो गया। गाडगिल कस्तूरी रंगन जो पश्चिमी घाटों के संरक्षण की बात करते हैं उससे संबंधित है। स्वामीनाथन जनसंख्या नीति भी आ गया। जानकी रमन समिति, यह प्रतिविधि घोटाला इसी पे अभी मूवी आ रही, पहले बताया आपको। सरकारी आयोग केंद्र राज संबंध से संबंधित हो जाएगा। गोस्वामी समिति दोस्तों औद्योगिक रुग्णता, ठीक है, आपने बीमार इकाइयों के बारे में पढ़ा होगा, ये उससे संबंधित है। और दत्त वाला किससे हो जाएगा, वो औद्योगिक लाइसेंसिंग था। महान लोबिस का राष्ट्रीय आय से संबंध हो गया। भूरे लाल का मोटर वाहनों के कर में वृद्धि किया जा रहा है उससे संबंधित है। भंडारी वाला का आरआरबीज हो गया, ठीक है। राज का कृषि जोत पर कर हो गया। सच्चर का मुसलमानों के बारे में सच्चाई पता करना, काम खत्म। तो आज के लिए ये काफी था। अब देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है। जैसे प्रश्न बना यहां पर कि सेना का कोरोना महामारी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन था, ठीक है, ऑपरेशन 25। अब देखिए यहां बताने वाली बात आती है, ठीक है, और यही बताने में मजा भी आएगा, ठीक है। अगर ऑपरेशन 25 की बात करें तो दोस्तों इसका संबंध कहां पर है, तो याद रखिएगा जल्दी से बताइए, ऑपरेशन 25, ठीक है, जो आपका पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, ठीक है, गाजी राशिद, ठीक है, ये उसको पकड़ने के लिए चलाया गया था पुलवामा अटैक के दौरान, ठीक है, तो याद रखेगा उससे संबंधित हो जाएगा। ऑपरेशन मैत्री दोस्तों ये चलाया गया था जब आपका भूकंप आया था नेपाल में, ठीक है, तो जो बचाव कार्य किया गया था, ठीक है, ये उससे संबंधित है, ठीक है, ये उससे संबंधित है। ऑपरेशन विजय दोस्तों ये कारगिल में जो घुसपैठिए थे, ठीक है, कारगिल में जो घुसपैठिए थे उनको भगाने के लिए, ठीक है, उनके उनको भगाने के लिए, ठीक है, घुसपैठियों को भगाने के लिए ये शुरू किया गया था, ठीक है, भगाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन नमस्ते। आया कि नहीं समझ में, तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं यहाँ पर चीजें आपको नहीं बताई जा रही हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस वीडियो में बता रहा हूं, आपने पीछे की जितनी भी क्लासेस देखा होगा उन सभी क्लासेस में मैंने इसी तरह की चीजें दिया आपको, ठीक है। तो ऑपरेशन नमस्ते याद रखेगा राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप ग्रस्त नेपाल में भारतीय सेना का राहत और बचाव कार्य के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया, तो याद रखें दोस्तों ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था, ठीक है, ऑपरेशन मैत्री। अच्छा ऑपरेशन बंदर क्या था दोस्तों, तो याद रखेगा बालाकोट के ऊपर जो स्ट्राइक किया गया था, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था दोस्तों ये उससे संबंधित है, यही है ना, बताइए यही है ना,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऑपरेशन सूर्योप का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा केदारनाथ में जो बाढ़ आती है, ठीक है, उसमें जो बचाव कार्य राहत कार्य किया गया उससे संबंधित है। ऑपरेशन ऑल आउट दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के वादियों में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के वादियों में जो आतंकवादी रहते हैं उनका सफाया करने से, ठीक है, आतंकवादियों का सफाया, ठीक है, सफाया इससे संबंधित है। तो बताइए यहां पर राइट आंसर क्या बना, ऑपरेशन मैत्री बना, ठीक है। तो यही तो करता हूं मैं हर बार, ये मैं बार बार क्यों लिखता हूं, आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मैं चार चार पांच पांच बार एक ही चीज को लिखता हूं, और इसलिए लिखता हूं कि चीजें आपको याद हो जाए, और कोई दूसरा रीजन नहीं है, मुझे क्या मिलेगा यार, हाँ मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करके क्या मिलेगा, लेकिन मैं नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि नहीं फायदा आपको मिलना चाहिए। चलिए आगे देखिए, पुलवामा हमले के आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, बताइए। तो गाजी रशीद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। ये विजय वाला किससे संबंधित दोस्तों, ये कारगिल से संबंधित है, याद करो एक बार फिर से, कारगिल से, ये एयर स्ट्राइक से संबंधित है, बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था ये उससे संबंधित है। ऑपरेशन नमस्ते दोस्तों कोरोना के दौरान सेना के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये उससे संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को सफाया करने के लिए क्या एक ही क्वेश्चन चल रहा है भाई, जम्मू कश्मीर में, तो ये ऑपरेशन ऑल आउट हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ऑल आउट, वहां ऑल आटू लिखा था, ऑल आउट मैंने आपको बोला था, उसको सही कर लीजिए। बैंकिंग सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था, बताइए, बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी समिति है, ठीक है, लिख रहा है कि प्रथम एम नरसिंहम समिति, द्वितीय एम नरसिंहम समिति और गोस्वामी समिति। अब देखिए हम मैं बता दूं आपको, स्वामीनाथन समिति की बात करें तो हमने दो जगह पढ़ा, एक तो कृषि क्षेत्रों की बात से संबंधित है और एक जनसंख्या नीति से संबंधित है, ठीक है, किससे, जनसंख्या नीति, ये हमने दो चीजें यहां पर देखा। और गोस्वामी समिति की बात करें दोस्तों तो औद्योगिक रुग्णता, क्या था, औद्योगिक रुग्णता, क्या ये था ना, बताइए 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 जल्दी बताइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर अगर बैंकिंग सुधार की बात करें तो मैंने यहां भी बताया, इसमें दोस्तों न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था और ये आया था 1998 में, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित था, ये 1998 में आया था, ये 1991 में आया था, इसके तहत तो नई औद्योगिक नीति लाई गई थी, क्या लाया गया था, नई औद्योगिक नीति की शुरुआत किया गया था, जिसे हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर, ठीक है, देख लीजिए एक बार खोल करके, समझ में आ गया ना। चलो, शैक्षिक सुधारों के लिए किस समिति का गठन किया गया, ठीक है, शैक्षिक सुधार के लिए, तो दोस्तों शैक्षिक सुधार के लिए समिति का गठन किया गया था कोठारी आयोग का, किसका गठन किया गया, कोठारी आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ठक्कर आयोग का गठन किसके लिए किया गया, बताइए, ठक्कर आयोग, जल्दी से बताइए, इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच, ठीक है, इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच जो दोस्तों ये इसके लिए बनाया गया था ठक्कर आयोग, ठीक है, इसका जांच के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसी तरह से गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी आयोग बना था, गोधरा कांड की जांच के लिए, ठीक है, ये बना था। और किरीट पारिक समिति का संबंध किससे है, बताइए, किरीट पारिक, अरे छोटी छोटी बातों को याद रखें, मैंने बताया कि पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम या पेट्रोल की कीमत तय करने के लिए, क्या करने के लिए, पेट्रोल की कीमत तय करने के लिए, या फिर जो एलपीजी वगैरह है इसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है किरीट पारिक समिति। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, कोठारी आयोग बनेगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसको याद रखेगा। आगे देखिए, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया है, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में दे दिया जाए, ये किसने कहा है, ये कहा है अमिताभ कांत ने, ठीक है, निजी क्षेत्रों से संबंधित है। वहीं जॉर्ज कुरियन की बात करें तो इन्होंने बताया कि 8 राज्यों में, क्या बताया, 8 राज्यों में, राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, ठीक है, अल्पसंख्यक, ठीक है, तो ये उससे संबंधित समिति है। दंतेवाला समिति, ठीक है, दंतेवाला, अब देखिए यहां पर दो था, एक आपने 10 समिति के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, 10 समिति, और एक आपका दंतेवाला समिति। और देवेंद्र फडणवीस समिति दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये आपके कृषि से संबंधित है, ठीक है, आप जरा इसको कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा स्किप करा, दंतेवाला वाला समिति दोस्तों, दंतेवाला बताइए जल्दी से कमेंट करके, अरे बताइए, गा मत बोलिए, दंते वाला समिति, दांत पीसो, पीसो दांत जल्दी से, दांत पीसा तो क्या पता चला, बेरोजगारी, क्या पता चला, गुस्सा आया, पता चला बेरोजगारी से संबंधित है, बोलो सही है कि नहीं, यही होगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित कौन सा है, तो इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित कौन सा है, याद रखेगा, ये आपका हो जाएगा ठक्कर आयोग। वहीं अगर नानावटी आयोग की बात करें तो ये किससे संबंधित है, नानावटी वाला, ये गोधरा कांड से संबंधित है। महान लोबिस की बात करें, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। लिब्राहन की बात करें, बताइए लिब्राहन किससे संबंधित है, सोच समझ के बताइए,
सब चीजें आपको, अच्छा आसानी से जब चीजें आपको मिल जाती हैं तो आप जो है दुरुपयोग करने पे आ जाते हो। हाँ बताइए, दुरुपयोग करने पे चले आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और कमेंट करके आप बताना शुरू करिए, क्योंकि हर बार मैंने क्या किया ना कि मैं अभी रिसेंट में एक दो दिन के वीडियोज के कमेंट पढ़ा, और कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया था कि सर आप मतलब क्या बताऊं। मैं बहुत दिल से इस सीरीज को स्टार्ट किया, और 30 दिनों तक मैं कोई मजाक करने के मूड में नहीं हूं, मैं एकदम एकदम सीरियस होकर के चीजों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठक्कर आयोग यहां राइट आंसर बनेगा। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन एवं उस पर सुझाव हेतु किस समिति का निर्माण किया गया? सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन और उस पर सुझाव के लिए बताइए। गोस्वामी समिति की बात करें तो औद्योगिक रुग्णता में चला जाएगा। ठीक है, गाडगिल यहां पर है, एक तो गाडगिल है और दूसरा है वाई एच मालेगाम है और चक्रवर्ती समिति है। तो याद रखें दोस्तों, मालेगाम कौन सी समिति है? मालेगाम, क्योंकि मैंने जो अपने माइंड में सेट किया है वह सेट किया है मालेगाम, यानी माल माल यानी माइक्रो फाइनेंस। क्या हो जाएगा? माइक्रो फाइनेंस। तो याद रखें, माइक्रो फाइनेंस से संबंधित कौन सा हो जाएगा, एक बार मैं चेक भी कर लेना चाहूंगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट बनेगा। क्या बनता है? क्या? हां सही है। ठीक है, देखिए सही सोच रखेंगे तो सब सही बनेगा। ठीक है, सही सोच रखने की देरी है तो सब सही बनेगा। यह चक्रवर्ती समिति कोई समिति नहीं है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। कराया कि उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच के लिए कौन सी समिति बना था? तो घूस रेड्डी। क्या नाम था? घूस रेड्डी। घूस रेड्डी से घूस रेड्डी याद रखेगा। ठीक है, ये पहले में ही आपको बता दिया था तो इसको भी याद रखेगा। देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो इनका संबंध किससे है? कृषि वाले संबंधित है। एक स्वामीनाथन वाला और देवेंद्र फडणवीस वाला, दोनों कृषि संबंधित हो जाएगा। रघुराम राजन जी, ये तो बैंकिंग सुधार की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। और आपका विवेक देवराय भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भूस रेड्डी हो जाएगा। बाबरी मस्जिद वाला दोस्तों क्या हो जाएगा? बाबरी मस्जिद का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। लिब्राहम आयोग। ठीक है, लिब्राहम आयोग क्या हो जाएगा? अभी पीछे ही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, यही बाबरी मस्जिद संबंधित है। ठीक है, ये बाबरी मस्जिद को कर लीजिएगा। बाकी ठक्कर आयोग क्या हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा एनर्जी कम है और मुझे क्लासेस भी ज्यादा लेनी, तो बचा बचा के एनर्जी क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, ठक्कर आयोग का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड हो जाएगा। कोठारी आयोग शिक्षा संबंधित हो जाएगा। नानावटी किससे हो जाएगा? गोधरा कांड से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो जो आरबीआई के पास कैपिटल रिजर्व है वो दे दिया जाए, इसके लिए बिमल जालान कमेटी बनी थी। कौन सी बनी थी? बिमल जालान कमेटी। तो यहां पर यह हो जाएगा। ठीक है, वहीं रघुराम राजन दोस्तों ये बैंकिंग सुधार हो जाएगा, और चक्रवर्ती तो नहीं, और यहां नचिकेत मोर समिति दोस्तों ये जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने संबंधित था, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर बिमल जालान कमेटी हो जाएगा। सरकारी आयोग गजब का बना दिया, चलो आ जाओ बनाते हैं सरकारी आयोग का समय। अच्छा, गोधरा कांड दे दिया ना, गोधरा कांड हो जाएगा दोस्तों नानावटी। ठीक है, और राज समिति का हो जाएगा कृषि ज्योत। विवेक देवराय दोस्तों ये रेलवे में सुधार या रेलवे में आधुनिकीकरण याद रखेगा। और सरकारी आयोग हो जाएगा केंद्र राज संबंध, तो क्या बन जाएगा? CBAD। खोजिए CBAD कहां पर है। CBAD मतलब CBAD देखिए दोनों जगह पर दे रहा है, 2 और 4 में एक ही ऑप्शन दे रहा है CBAD। ठीक है, तो यहां पर दोनों ऑप्शन आप राइट कर लीजिएगा। हो सकता हो टाइपराइटर से मिस्टेक हो गया, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कल वाले वीडियो में शायद कुछ ऐसा हुआ था क्या, मैंने लिखा कुछ और था, बोला कुछ और था, एक बार आप देख लेना यार। ठीक है, देखो मैं कोई गूगल नहीं हूं और ना ही मैं भगवान हूं। ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूं, और चीजों को बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ चीजों को बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और ऐसा नहीं कि कहीं से नकल मारा जाता है। कई लोग ये भी, अच्छा कई लोग मुझसे मिलते हैं कि अरे यार ये बताओ तुम हिस्ट्री पढ़ाते हो, ज्योग्राफी पढ़ाते हो, पॉलिटी पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, तुमको याद कैसे रहता है? ठीक है, करंट अफेयर भी अब पढ़ाना शुरू कर दिए तो याद कैसे रहता है? तो कहा याद क्या करना, बोला कि नहीं वो क्लास नोट्स कुछ लेकर जाते हो सामने उन्हें रख कर कुछ पढ़ाते हो। तो मैंने कहा सामने रखने की क्या जरूरत है, अरे अगर हम सामने रख दें तो फिर टीचर किस बात के हो भाई, मेहनत करो ना। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते नहीं है, अरे यार आपको जो चीजें मिल रही पढ़ने के लिए वही चीजें हमको भी मिल रही पढ़ने के लिए, तो आपकी तरह हम भी पढ़ते हैं। हाँ ये है कि आप पढ़ते हो, आप जनरली पढ़ते हो, हम कैसे पढ़ते हैं, हम ये सोच के पढ़ते हैं कि हमें ये चीजें पढ़ानी है, हमें विचार करके पढ़ते हैं, और हमें पता होता है कि नहीं हम कैमरे के सामने होंगे तो फिर आप वहां कोई इब्बट नहीं कर सकते। हाँ कभी कभार हमसे गलतियां हो जाती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं, मैं मशीन नहीं हूं, ना ही मैं चीट करता हूं। तो जब चीट नहीं करता हूं तो कभी कभी दिमाग से चीजें स्किप करती हैं। ठीक है, स्किप करती है तो वहां मैं छोड़ देता हूं, क्या दिक्कत है उसमें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जनरल लव यार, इंसान हो तो इंसान के तरीके से रहो ना, मशीन बनने की क्या जरूरत है। देखिए, करा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए कौन सी समिति बनाया गया था? तो देखिए याद करें जल्दी से, कौन सी?
यह हो जाएगा क्या, भंडारी समिति। कौन समिति है दोस्तों, भंडारी समिति। ये था ना भंडार बताया था, ठीक है, अरबी का भंडार, ठीक है। बाकी राजमन्नार अलग हो जाएगा, केंद्रराज हो जाएगा। स्ट्रक्चर समिति दोस्तों, ये मुसलमानों की शैक्षिक वैक्षिक जो हिसाब किताब था उसकी सच्चाई पता लगाने के लिए, ठीक है, उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक व्यवस्था के बारे में जानने के लिए स्ट्रक्चर समिति हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। तो ये भंडारी समिति हो जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड किस ऑपरेशन संबंधित है, बालाकोट बंदर उछड़ उछड़ के गया था, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन बंदर हो जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट की बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर की वादियों से आतंकवादियों को हटाने के लिए ऑपरेशन मैत्री नेपाल में बचाव कार्य था, और ऑपरेशन 25 पुलवामा अटैक में जो गाजी रशीद था उसको पकड़ने के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो यहां चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन बंदर, ठीक है। पश्चिमी घाटों का संरक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया, पश्चिमी घाट से संबंधित दोस्तों कौन समिति थी, तो याद रखें दोस्तों यहां पर गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति हो जाएगा, ठीक है। बाकी महान लोबी से राष्ट्रीय आय हो जाएगा, और दत्ता समिति दोस्तों ये आपका औद्योगिक लाइसेंसिंग संबंधित हो जाएगा देने का, और औद्योगिक रुग्णता पूछताछ याद रखेगा गोस्वामी समिति हो जाएगा, और रेखी समिति दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, याद रखेगा रेखी वाला किससे है, ये अप्रत्यक्ष, ये पहली बार आ रहा है इसलिए यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। वहीं एक वांचू समिति हम लोगों ने पढ़ा था ना, वांचू, ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित था, ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित था, ठीक है। इसको याद रखेगा, यहां पर गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ये बता देना है, तो रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से बिल्कुल सही है, गोस्वामी का औद्योगिक रुग्णता से है, चक्रवर्ती ये जनसंख्या नीति से है, ठीक है, और दंतेवाला का बेरोजगारी कर्मा, बेरोजगारी का अनुमान दोस्तों ये दांत पीस पीस करके लगाया गया था, तो दंतेवाला तो सही हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो याद रखेगा दंते वाला, यहां दांत वाला नहीं, दंते वाला, क्या तो भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहां दंते वाला करिएगा, दंते वाला समिति। अच्छा पीछे और कुछ था क्या, एक है दत्त समिति ना, तो दत्त समिति आप याद रखेगा वो यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक बात याद रखे, देखिए दो एक जैसे है ना, तो कहीं कंफ्यूजन हो सकता, दत्त समिति अगर आपसे पूछता है, रुकिए पूरा लिख दूं अच्छे से साफ साफ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, अगर दत्त समिति आपसे पूछ रहा है, ठीक है, दत्त समिति तो क्या बताएंगे, ये औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है, ठीक है, औद्योगिक लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग मैंने बताया क्या आपको शॉर्टकट फार्मूला, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि लाइसेंस दो तो दत्त समिति, ठीक है। एक और है दोस्तों औद्योगिक रुग्णता, तो वो गोस्वामी समिति, कौन सा है, वो गोस्वामी समिति है, ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है, ठीक है, यह हो जाएगा रुग्णता हो जाएगा, ये अलग चीज हो गया। और जो अभी आपसे पूछ रहा है दंते वाला, ठीक है, तो दंते वाला समिति है दोस्तों, ये बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए बनाया गया था, तभी मैंने बताया ना कि आप दांत पीस के बोले, ठीक है, तो बेरोजगारी से संबंधित हो जाएगा, बाकी तो सही है सब, ठीक है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा सी वाला, यानी तीन नंबर, चक्रवर्ती समिति या जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति की बात करें दोस्तों, ये वहां पर गलत है, ठीक है। आगे देखिए, करा आठ राज्यों में हिंदुओं का अल्पसंख्यक समुदाय में दर्जा देने के लिए किस समिति की शुरुआत किया गया था, तो वो जो थोड़ा इंग्लिश टाइप का नाम था, क्या नाम था, जॉर्ज कुरियन समिति, क्या नाम था, जॉर्ज कुरियन, ठीक है। और ये अमिताभ ऐसे लिख दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है, अमिताभ कांत समिति दोस्तों, ये ट्रेन को प्राइवेट करने की बात हो रही थी यहाँ पर, ट्रेन को प्राइवेट करने की बात, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर केलकर में दोस्तों एक कर वाली समिति है, बलवंत राय मेहता, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, किससे, पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जॉर्ज कुरियन समिति आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला लिख रहा है नचिकेत मोर समिति, मैंने आपको बताया नचिकेत मोर, यहां पर जो मोर लिखा है, मोर यानी ज्यादा पैसा, ठीक है, ज्यादा पैसा कहां पर हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा ये किससे संबंधित है, इससे संबंधित है, वित्तीय समावेशन से, ठीक है, वित्तीय समावेशन। तो याद रखेगा वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए नए बैंकिंग ढांचों की सिफारिश के लिए दोस्तों नचिकेत मोर समिति बनाया गया था। ये आरआरबी वाला जो था दोस्तों, ये क्या था, आरआरबी वाला, ये था भंडारी समिति, कौन सा था, ये भंडारी समिति था, ऐसे लिख दीजिएगा भंडारी समिति, ठीक है, ये भंडारी समिति बना था, ठीक है, ये आरआरबी से संबंधित था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोटर वाहनों के करों में वृद्धि, बताइए तो क्या बना था, बताइए जरा कमेंट करके, ठीक है। आगे देखिए कोठारी आयोग, कोठारी आयोग किससे संबंधित हो जाएगा, आइए एक बार मिलाते हैं, ठीक है। वांचू समिति दोस्तों ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वामीनाथन हो जाएगा कृषि सुधार संबंधित हो जाएगा। महान लोबीज दोस्तों राष्ट्रीय आय हुआ हो जाएगा। और कोठारी आयोग क्या हो जाएगा, शैक्षिक से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ये होगा ना,
DCBA, DCBA मतलब क्या हो जाएगा, DCBA मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा DCBA, ठीक है, तो वही हो जाएगा DCBA आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा, तो आगे इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वीडियो को शेयर आप करिए, ठीक है, कहीं कमी अगर होती है तो आप उसको बताइए, लेकिन गलत कमेंट नहीं। गलत कमेंट मतलब अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में कहीं पर कोई कमी हो रही है आप उसको बताइए, लेकिन उल जुलूल के कमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सम्मान के साथ पढ़ाते हैं और सम्मान के साथ जीना पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत हाहा में नहीं रहते, ठीक है, तो आराम से आप लोग पढ़ते चलिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप PDF को आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट सवेर होता है तो 1-2 घंटे बाद भी PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।